फिरोजाबाद के नगला भाव स्थिति रवि यूनिटी हॉस्पिटल में 1.5 साल की बालिका की इलाज के दौरान मौत, परिजनों लापरवाही का आरोप लगाकर किया जमकर हंगामा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मामला है थाना दक्षिण क्षेत्र रवि यूनिटी हॉस्पिटल का। गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अस्पताल में भर्ती 1.5 साल की बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है डबल निमोनिया बीमारी के चलते नगला कदम निवासी रामरी ने 1.5 साल की बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। गौरव, ए गौरव, गौरव, क्या हुआ था? ये हुआ था सर, ये बच्चा सुबह जब मॉर्निंग में एडमिट हुआ तो डबल निमोनिया में बच्चा आया था, ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस थी। बच्चा ऑलरेडी ऑक्सीजन पे सपोर्ट में था अच्छे से, और कफ बहुत जमा हुआ था बच्चे की छाती में। जो डॉक्टर साहब आए थे एल के सर, उन्होंने भी काउंसलिंग अच्छे से करी थी इसको, बताया कि दिक्कत है बच्चे को ज़्यादा। और डॉक्टर सहरा सरोज आए थे, वो भी बताएं कि बच्चे को जो है कफ जमा हुआ है काफ़ी, और इस सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, किसी भी समय मशीन पर भी डालना पड़ सकता है वेंटिलेटर पर। फिर उसके बाद शाम को भी मैं राउंड लिया अपना, उसके बाद मैंने बताया। फिर 3 बजे उठ के मैं गया था रात में कि कंडीशन देखी बच्चे की, ऑक्सीजन पे था बच्चा, सांस ले रहा था जल्दी जल्दी, मैंने उनको बताया कंडीशन बच्चे की अच्छी नहीं है आपकी। फिर सुबह एक्चुअली मैं जो स्टाफ है वो उसके नाक में नेजल ड्रॉप डाल के, होती है नेजोक्ली ड्रॉप जो कफ को पतला करती है, उसका नेजोक्ली डालने के बाद सक्शन कर रहे थे। तो ये अटेंडर देख रहा सक्शन।